की है। एक ओर बीजेपी हिंदुत्व के जरिए अपनी पकड़ बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस संगठन के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। सवाल है कि आखिर मालवा निमाड़ में इतना जोर क्यों है, आगे आप देखिए। मालवा निमाड़ में सियासी शोर, सियासी दल लगा रहे हैं जोर। जिस संभाग को सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है उसे साधने की कोशिश तेज हो चली है। आलम ये है कि सियासी दलों में पैठ बढ़ाने की होड़ सी शुरू हो गई है। बीजेपी कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। महाकाल लोक का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस भी कमोबेश इसी राह पर है, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चलकर 2023 के समीकरणों को साधना चाहती है। इसके अलावा संभाग में संगठन को भी धार देने की कोशिश हो रही है। आपका यह कहना कि मालवा निर्माण में महाकाल लोक से, तो निश्चित रूप से श्री महाकाल लोक जी का जो लोकार्पण हुआ माननीय विश्व के सबके सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के द्वारा, वह मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और निश्चित ही पूरा पूरा मध्य प्रदेश का, अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, तो निश्चित रूप से उसमें उसको रफ्तार मिलेगी। माननीय मोदी जी ने जो लोकार्पण किया है वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा और अध्यात्म की ओर भी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी निश्चित रूप से सहजने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये चाहती है मालवा निमाड़ को भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है, इसके लिए इवेंट बना रही है। उज्जैन में इवेंट बनाया, मांडव में ये अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मालवा निमाड़ का जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कृषक भारी संख्या में, लेकिन आज किसानों की जो हालत है उससे किसान भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज है। और आदिवासी इलाका भी काफी बहुल इलाका आता है निमाड़ के क्षेत्रों में, ये भी भाजपा से नाराज है। अब सवाल है कि आखिर मालवा निमाड़ पर इतना फोकस क्यों है, तो दरअसल मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी कहा जाता है। विधानसभा की 66 सीटें इस संभाग में हैं। 2018 में बीजेपी को झटका लगा था, बढ़त की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, इसलिए मालवा निमाड़ में लीड लेने की जोर आजमाइश चल रही है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के परिणामों को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जिस पॉलिटिकल आउटफिट ने ज्यादा सीट जीती वही सत्ता पर काबिज हुआ है। इसके साथ ही ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। दूसरा, यहाँ पर भाजपा के जो आइडियोलॉजिकल आउटफिट है आरएसएस, उसका भी ये बड़ा प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। भाजपा यहाँ पर ये प्रयास में है कि कैसे भी उसका जो मुख्य एजेंडा इस चुनाव में दिख रहा है हिंदुत्व वाला, वो कहीं ना कहीं प्रभावशील हो। महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन उसका एक हिस्सा माना जाता है। कांग्रेस भी यहाँ प्रयास कर रही है कि उसका जो आदिवासी वोट है वो जैसा का तैसा बना रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर मालवा निमाड़ का ट्रेंड क्या रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि 2018 में बीजेपी को 66 में से 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी, 2013 में बीजेपी को 57 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। 2018 में बीजेपी को 28 सीटों का नुकसान हुआ था, तो वहीं कांग्रेस को 26 सीटों का फायदा हुआ। खास बात यह है कि मालवा निमाड़ में आदिवासियों के लिए 22 सीटें रिजर्व हैं। 2018 में बीजेपी को 22 में से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2018 में कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, 2013 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। यानी आदिवासियों ने भी खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था। हालांकि 2018 में जयस कांग्रेस के साथ था, इसलिए उसे आदिवासी सीटों पर फायदा हुआ था। इसलिए मालवा निमाड़ में अभी से ही पार्टियों की सक्रियता दिखने लगी है।
2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 2023 में विधानसभा चुनाव होना और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था और कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी बढ़त की थी। इस बार कांग्रेस मालवा निमाड़ को लेकर चल रही है। विशेष तौर पर मालवा निमाड़ को ध्यान रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी की यहाँ पे यात्रा की गई है, यानी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मालवा निमाड़ में कांग्रेस से अपनी बढ़त बनाने के लिए खासा प्लान तैयार कर रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने धार में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जहाँ पे मांडू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के साथ में पूरे निमाड़ को फोकस किया गया। वहीं उज्जैन में महाकाल लोकल लोकार्पण करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मालवा निमाड़ क्षेत्र पर फोकस किए हुए हैं, दौरा कर रहे हैं। झाबुआ में एक अधिकारी का ऑडियो वायरल होता है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, यानी पूरी तरीके से मालवा और निमाड़ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इस बार कोई भी चूक वो नहीं करना चाहते हैं। और सिर्फ निमाड़ ही नहीं, चाहे बुंदेलखंड है, चाहे चंबल संभाग है, तमाम जगह पर उनकी यात्राएं चल रही। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी जो तैयारियां वो शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी अलग अलग रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में अपनी रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आ रही है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो यह है कि मालवा निमाड़ को संघ का गढ़ माना जाता है। 2018 की हार के बाद से संघ सक्रिय है, इसीलिए बीजेपी खोलकर कोर हिंदुत्व की राह पर अब चलती नजर आ रही है।